2 लाख के बजट में अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे इंडिया में कितने सारे बाइकों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम बेफिक्र होकर बाई कर सकें, तो आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 बाइकें लेकर आया हूं जो कि हमारे इंडिया की 2 लाख के बजट वाली सबसे बेस्ट बाइकें हैं और ये ऑन रोड प्राइस अंडर 2 लाख है, ऑन रोड प्राइस दिल्ली में अवेलेबल हैं। इन बाइकों में आपको कम से कम 35 kmph का माइलेज देखने के लिए मिलेगा और जो टॉप स्पीड है वो आपको 150 kmph तक देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इन बाइकों की डिजाइंस, बिल्ड क्वालिटी और आपके सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 10 से। तो 10 नंबर पे है बजाज पल्सर N160, जिसे कि मैंने रखा हुआ है उन लोगों के लिए जिन्हें एक ब्यूटीफुल लुक्स वाली बाइक चाहिए और उन्हें इसके साथ ही हाई पिकअप चाहिए और ABS चैनल भी ड्यूअल चाहिए, तो ये बाइक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। और इतना ही नहीं, इस बाइक की टॉप स्पीड भी 130 kmph की है और माइलेज भी आपको 45 kmph तक मिल जाता है, तो ये बाइक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकती है जिन्हें फास्ट स्पीड के साथ ही एक अच्छी क्वालिटी की माइलेज चाहिए। तो भाई ये बाइक सबसे ज़्यादा परफेक्ट बाइक होने वाली है उन लोगों के लिए। बाइक की स्टार्टिंग प्राइस है ऑन रोड दिल्ली की 1,50,000 रुपीज़ से। इसके साथ ही दोस्तों इस बाइक में हमें एनालॉग स्पीडोमीटर और इसके साथ डिजिटल ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर देखने के लिए मिल जाता है। इस बाइक में हमें LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 17 इंचेस का है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है। और इसके अलावा इस बाइक में हमें 14 लीटर की फ्यूल टैंक भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि लॉन्ग राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और जो रियर टायर है इस बाइक का वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये भी डिस्क ब्रेक के साथ में ही आता है। बात करते हैं इंजन की, तो इसमें हमें 165cc का इंजन दिया गया है जो कि 16 PS की पावर जनरेट करता है और 14.65 Nm का टॉर्क देता है और ये 1 सिलेंडर के साथ में आता है। नंबर 9 पे है TVS Apache IoTR 200 4B। दोस्तों ये बाइक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है जिन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, यानी कि उन्हें ऑफिस या फिर अपने कॉलेज में जाना रहता है, वो कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगी क्योंकि इस बाइक का जो माइलेज है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 55 kmph का माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाता है। इसके साथ ही जो टॉप स्पीड है वो आपको 130 kmph की मिल जाती है जिसके कारण ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। इस बाइक का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इसके साथ ही इसमें हमें LED हेडलाइट के साथ साथ LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाता है। इस बाइक में हमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर भी देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है और इंजन 200cc का दिया गया है जो कि 1 सिलेंडर के साथ में आता है और ये इंजन पावर जनरेट करता है 20.82 PS की एंड टॉर्क देता है 16.8 Nm की। इस बाइक में हमें ड्यूअल साइलेंसर देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में हमें 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स दिया गया है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है और इतना ही नहीं, रियर में भी हमें 17 इंचेस के साथ साथ डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इस बाइक का प्राइस है 1,60,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली का। तो नंबर 8 पे रखा हुआ है हमने यमहा की तरफ से आने वाली बाइक यमहा FZ25 को। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें यमहा कंपनी पे ज्यादा भरोसा है और उन्हें एक पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहिए जो कि लॉन्ग राइडिंग पे भी ज्यादा हिट ना हो, तो भाई ये बाइक उन लोगों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। इस बाइक की जो स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस है वो है 1,72,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली का। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ये है 130 kmph की और इसमें हमें माइलेज मिलता है 50 kmph का, ये कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें ड्यूअल ABS चैनल देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बाइक जो है दोस्तों ये लुक्स एंड डिजाइन में भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक में हमें LED हेडलाइट के साथ साथ LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल इस बाइक का जो फ्रंट एंड बैक लुक है ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड टैकोमीटर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस बाइक का जो साइलेंसर है ये मॉन्स्टर है और काफी ज्यादा मस्त आवाज निकालता है। इस बाइक में हमें 250cc का इंजन दिया गया है जो कि 1 सिलेंडर के साथ में आता है और ये इंजन पावर जनरेट करता है 20.8 PS की और टॉर्क देता है 20.1 Nm की। 14 लीटर का फ्यूल टैंक भी हमें इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। इस बाइक के फ्रंट में 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स दिया गया है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है और वहीं पर बैक में भी हमें 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स मिल जाता है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है ABS चैनल के साथ में। नंबर 7 पे रखा हुआ है हमने रॉयल इनफील्ड हंटर को। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें क्रूजर बाइक पे ज़्यादा भरोसा है और उन्हें एक पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहिए और वो भी रॉयल इनफील्ड कंपनी की। तो जैसा कि नाम से ही लगता है हंटर यानी कि शिकारी, ये बाइक सच में शिकारी बाइक है, यानी कि ये ऑफ रोडिंग तो बादशाह है भाई। इसमें हमें माइलेज देखने के लिए मिलता है 36 kmph का और जो टॉप स्पीड है वो हमें 110 kmph की देखने के लिए मिल जाती है। इस बाइक का जो ऑन रोड स्टार्टिंग प्राइस है दिल्ली का ये है 1,72,000 रुपीज। इस बाइक में हमें LED हेडलाइट एंड टेल लाइट दिया गया है और स्पीडोमीटर हमें एनालॉग दिया गया है, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर डिजिटल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इस बाइक का जो साइलेंसर है ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आवाज़ करता है और देखने में भी काफ़ी
ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बाइक में 350cc का इंजन दिया गया है जो कि दोस्तों वन सिलेंडर के साथ में आता है और ये इंजन पावर जनरेट करता है 20.4 PS की एंड टॉर्क देता है 77 Nm की। फ्यूल टैंक इसमें हमें 13 लीटर का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में 17 इंचेस का एलॉय व्हील्स है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है एंड रियर में भी 17 इंचेस का एलॉय व्हील्स है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है ड्यूअल चैनल ABS के साथ में। तो नंबर 6 पे रखा हुआ है हमने TVS की तरफ से आने वाली रोनिन को। ये बाइक पहली ऐसी बाइक है जो कि क्रूजर बाइक है TVS की ओर से आने वाली। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें की लॉन्ग राइडिंग करनी है। फुल कंफर्टेबिलिटी एंड फुल सेफ्टी के लिए ये बाइक काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ना ये 120 km/h की है और इसमें हमें माइलेज देखने के लिए मिलता है 35 km/L का। इसके अलावा जो इस बाइक की ऑन रोड दिल्ली की प्राइस है ये 1,74,000 rupees बेस वेरियंट। इस बाइक का फ्रंट एंड बैक लुक दोनों ही काफी ज्यादा जबरदस्त देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाता है। इसमें हमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बाइक में 226cc का इंजन दिया गया है जो कि वन सिलेंडर के साथ में आता है और ये इंजन पावर जनरेट करता है 20.4 PS की एंड टॉर्क देता है 19.93 Nm की। फ्यूल टैंक इसमें हमें 14 लीटर का मिलता है। फ्रंट में 17 इंचेस के टायर के साथ साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड रियर में भी 17 इंचेस के टायर के साथ साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो नंबर 5 पे है यमहा की तरफ से आने वाली बाइक यमहा MT-15 का। ये बाइक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग बाइक है हमारे इंडिया में और कॉलेज स्टूडेंट्स को तो ये बाइक काफी ज्यादा भाई परफेक्ट लगती है। इस बाइक में हमें 155cc का इंजन दिया गया है जो कि वन सिलेंडर के साथ में आता है और ये इंजन मैक्स टू मैक्स पावर जनरेट करता है 18.4 PS की एंड टॉर्क देता है 14.1 Nm की। इस इंजन में दोस्तों हमें माइलेज देखने के लिए मिलता है 45 km/L का और जो टॉप स्पीड है ये हमें देखने के लिए मिलती है 130 km/h की। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में ये है 1,90,000 rupees। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में हमें LED हेडलाइट के साथ साथ ही LED टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में 17 इंचेस का एलॉय व्हील्स दिया गया है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है ये हमें 10 लीटर का देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग राइडिंग में काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाली है ये बाइक। ये बाइक देखने में ओवरऑल काफी अच्छी है और इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड टेकोमीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो नंबर 4 पे रखा हुआ है हमने बजाज की तरफ से आने वाली बजाज पल्सर RS 200 को। वैसे इस बाइक को मैंने भी चलाया है, मेरे पड़ोस के अंकल ने इस बाइक को खरीदा हुआ है जो कि काफी ज्यादा मक्खन की तरह चलती है और चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था इस बाइक को। वैसे ये बाइक ज्यादातर स्टूडेंट को ही पसंद आती है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक का जो लुक है ना ये स्पोर्ट बाइक है और इसमें हमें टॉप स्पीड देखने के लिए मिलता है 140 km/h की एंड माइलेज देखने के लिए मिलेगा 35 km/L की। इस बाइक का जो ब्लैक कलर वाला मॉडल है ना ये मुझे काफी ज्यादा जबरदस्त देखने में लगता है। इस बाइक में हमें LED हेडलाइट एंड टेल लाइट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में हमें 200cc का इंजन दिया गया है जो कि दोस्तों वन सिलेंडर के साथ में आता है और ये पावर जनरेट करता है 24.5 PS की। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें डिजिटल स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट एंड रियर में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आते हैं। 1,97,000 rupees ऑन रोड दिल्ली का इस बाइक का प्राइस है। तो भाई नंबर 3 पे चलते हैं और नंबर 3 पे रखा हुआ है हमने बजाज डोमिनर 250 को। वैसे ये बाइक ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि इसके पीछे कारण है इस बाइक का लुक्स एंड डिजाइन। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हमें और भी ज्यादा अच्छी अच्छी बाइकें देखने को मिल जाती है तो कोई भला इस बाइक को क्यों खरीदे। इसके अलावा इस बाइक की और सारी चीजें जो हैं ये अच्छी हैं देखने में क्योंकि इस बाइक में जो दोस्तों हमें 250cc का इंजन दिया गया है जो कि वन सिलेंडर के साथ में आता है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 27 PS की एंड टॉर्क देता है 23.5 Nm की। बाइक में हमें माइलेज मिलता है 35 km/L का और टॉप स्पीड मिलती है 140 km/h की। इस बाइक में हमें LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट मिलता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस बाइक की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,02,000 rupees से और इस बाइक में हमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है और इसके अलावा दोस्तों इसमें फ्रंट में एंड रियर में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है 17 इंचेस के टायर के साथ में। नंबर 2 पे रखा हुआ है हमने KTM ड्यूक 125 को। आप में से कितने लोगों को KTM बाइक का नाम सुनते ही दिल में जान आ गया आप कमेंट करके बताओ। KTM जो 125 है इसका जो डिजाइन है ये सिमिलर लगता है ड्यूक 200 की तरह क्योंकि दोस्तों ये जो बाइक है ना इसे ऐसी ही मॉडिफाइड किया गया है। ये बाइक ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही पसंद आती है और इसके अलावा KTM जो ब्रांड है ये देखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बाइक लगती है। इसमें हमें 125cc का इंजन दिया गया है जो कि वन सिलेंडर के साथ में आता है, पावर जनरेट करता है 14.5 PS की एंड टॉर्क देता है 12 Nm की। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक में हमें टॉप स्पीड मिलती है 140 km/h की और जो हमें माइलेज मिलता है वो मिलता है हमें 45 km/L की। इस बाइक का ऑन रोड दिल्ली का प्राइस है 2,04,000 rupees। इस बाइक का लुक्स एंड डिजाइन काफी ज्यादा मस्त है और इस बाइक में हमें फ्यूल टैंक दिया गया है 13.5 लीटर का। इसके अलावा फ्रंट एंड रियर में दोनों ही टायरों में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 पे और नंबर 1 की बाइक है यामाहा R15 V4। वाओ यार, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बाइक इस लिस्ट में आखिर कैसे आ गई। तो मैं कहूंगा कि भाई जब आपको 2,000-4,000 rupees एक्स्ट्रा लगा करके एक अच्छी बाइक मिल ही जा रही है तो भाई मैं क्यों ना इस बाइक को बताऊं। इस बाइक का ऑन रोड दिल्ली का प्राइस है 2,08,000 rupees और आपका बजट
2 लाख रुपए है ही, तो 8,000 एक्स्ट्रा लगा करके आप अच्छी बाइक क्यों नहीं लोगे। तो भाई इस बाइक में हमें 155 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि 1 सिलेंडर के साथ में आता है, और ये इंजन पावर जनरेट करता है 18.4 पीएस के एंड टॉर्क देता है 14.2 न्यूटन मीटर की। इस बाइक में हमें टॉप स्पीड 140 केएमपीएच की देखने के लिए मिल जाती है और माइलेज मिलता है 45 केएमपीएल का। हमें एलईडी हेडलाइट एंड एलईडी टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हमें डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड टैकोमीटर देखने के लिए मिल जाते हैं। 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगहों में हमें 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स दिया गया है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ में आता है ड्यूअल चैनल एबीएस के सपोर्ट के साथ में।